इंडियन वुमेन और बांग्लादेश वुमेन के बीच में दोस्तों फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच खेले जाने वाला है शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम मीरपुर पे। दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं ना, तो दोनों टीमों ने दोस्तों आज तक टोटल 13 मैचेस खेले हैं, जिसमें से कि 11 मैच इंडिया ने विन किया है और बांग्लादेश वुमेन की टीम यहां पर सिर्फ 2 मैच ही विन कर पाई है। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे इस मैच पे जीतने के किसके ज्यादा चांसेस है, तो ऑब्वियस सी बात है टीम इंडिया के इस मैच को जीतने के चांसेस काफी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग एक फैंटेसी के प्लेयर हो और आप लोग अपने लिए एक फैंटेसी की परफेक्ट टीम बनाना चाहते हो, तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा पिच रिपोर्ट को, दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस को, कौन सा प्लेयर अभी के टाइम पे इनफॉर्म प्लेयर है, बांग्लादेश वुमेन की टीम से कौन से ऐसे प्लेयर है जिन्हें आप लोगों ने पिक करके चलना है, कैप्टन का कौन अच्छा कंटेंडर रहेगा, वाइस कैप्टन का कौन अच्छा कंटेंडर रहेगा, किस कंडीशंस पे आप लोगों ने किस हिसाब से अपने लिए टीम बनाना है, सारे डाउट्स दोस्तों आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना है, ताकि हर पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो, हर प्लेयर के स्टैट्स आप लोगों को पता हो और आप लोग अपने लिए एक परफेक्ट टीम बना पाओ। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम मीरपुर ढाका के पिच के बिहेवियर को। ओके दोस्तों, अगर आप लोग यहां पर पिच के बिहेवियर को देखोगे ना, तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर 115 रन का है, मतलब ज्यादा बड़े स्कोर्स यहां पर बनते नहीं है, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग्स में अगर आप लोग देखोगे तो 11 विकेट पेसर के हैं, 6 विकेट स्पिनर के हैं। सेकेंड इनिंग्स में 6 विकेट पेसर के हैं और 2 विकेट स्पिनर के हैं। ओवरऑल फर्स्ट इनिंग्स पे पेसर यहां पर इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और सेकेंड इनिंग्स पे पिच स्लो हो जाएगी और यहां पर स्पिनर का भी बोलबाला रहेगा। अगर आप लोग अपने लिए इस मैच के लिए टीम बनाने की सोच रहे हो, तो कंडीशन ध्यान रखना और इसी हिसाब से आप लोग टीम बनाना। देखो, अगर बांग्लादेश वुमेन की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने आती है ना, तो होपफुली बांग्लादेश वुमेन की टीम यहां पर कुछ ज्यादा बड़ा स्कोर रख नहीं पाएगी। उस केस पे आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान से देखो, अगर बांग्लादेश वुमेन की टीम पहले बैटिंग करने आती है, तो कैसे आप लोगों ने क्या सोच रखना है और कैसे टीम बनाना है। उस कंडीशन पे आप लोग ये मान के चलना कि बांग्लादेश वुमेन की टीम ना यहां पर आप लोगों को 90 से लेकर 110 के बीच में रन बनाते हुए दिखेगी और इजीली यहां पर 6 से 8 विकेट निकल जाएंगे और हो सकता है कि यहां पर टीम इंडिया इस रन को इजीली चेस कर दे सिर्फ 2 या 3 विकेट गिर के। क्लियर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर बांग्लादेश की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करती है, तो आप लोगों ने इंडियन टॉप ऑर्डर को रखना है मोस्टली और इंडियन बॉलर को आप लोगों ने लेकर चलना है। क्लियर है? अगर इंडियन टीम यहां पर बैटिंग करने आती है, तो उस कंडीशंस पे भी आप लोग सेम सिचुएशन के साथ जा सकते हो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इंडियन टीम के यहां पर कम विकेट्स गिरेंगे और बांग्लादेश टीम के यहां पर ज्यादा विकेट गिरने वाले हैं। क्लियर है? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक दोस्तों आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल है, ज्वाइन नहीं किया है ना, फटाफट से जाके टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। इस मैच की मैं अपनी पर्सनल टीम आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर करूंगा, कंडीशंस के हिसाब से टॉस कौन सी टीम पहले विन करती है, कौन सी टीम यहां पर चेस करने आती है, सारे कंडीशंस को देखते हुए अगर जो भी टीम यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टीम पे अगर चेंजेस आते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखिएगा दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे ही लिंक है, लिंक के थ्रू पक्का से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, ठीक है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं इंडियन टीम से जो इस मैच को खेल नहीं रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा प्लेइंग 11 यही जाने वाली है। इंडियन टीम से ओपनिंग करने आएगी शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना, उसके बाद फर्स्ट डाउन पोजीशन पे यस्तिका भाटिया आएगी और यस्तिका भाटिया ही इस मैच पे आप लोगों को विकेट कीपिंग करते हुए दिखेगी, क्योंकि ऋचा घोष इस मैच पे अवेलेबल नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को जमीमा रॉड्रिगस दिखेगी, फिर हरमनप्रीत कौर दिखेगी, फिर हरलीन दियोल दिखेगी, दीप्ति शर्मा, देविका विद्या और पूजा वत्साकर आप लोगों को ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे दिखेगी। और बॉलिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आप लोगों को मेघना सिंह और अंजलि सरवनी दिखेगी।
वहीं दोस्तों अगर आप लोग बांग्लादेश वुमेन टीम के प्लेइंग 11 को देखोगे तो शमीमा सुल्ताना और मुशहिदा खातून, यहां पर आप लोगों मुर्शिदा खातून आप लोगों को यहां पर ओपनिंग करते हुए दिखेगी। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहां पर शोभना मोस्तरी दिखेगी, फिर नाइगर सुल्तान दिखेगी, सलमा खातून दिखेगी, रितु मोनी दिखेगी, शोरना अख्तर दिखेगी, नहीदा अख्तर दिखेगी, फाहिमा खातून दिखेगी, मारूफा अख्तर दिखेगी और फारिया इस्लाम आप लोगों को बॉलिंग वाले सेक्शन पे दिखेगी। इसी ऑर्डर पे आप लोगों को दोनों टीमों के प्लेइंग 11 दिखने वाले हैं। क्लियर है? अब सेक्शन वाइज एनालिसिस करेंगे, एक एक सेक्शन को देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन को। विकेट कीपिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंडियन टीम पे आप लोगों को यस्तिका भाटिया खेलते हुए दिखेगी। अच्छा, इंडियन टीम के मोस्टली प्लेयर आप सभी लोगों को पता है कि रिसेंटली वुमेन आईपीएल ही खेल कर आ रहे हैं, उसके बाद ये पहला T20 मैच है जो इंडियन टीम खेलने वाली है। तो ये जो रिकॉर्ड है ये इनके डोमेस्टिक रिकॉर्ड, मतलब ये इनके आईपीएल के ही रिकॉर्ड है। यस्तिका भाटिया को अगर आप लोग देखोगे तो इनका परफॉर्मेंस आईपीएल पे बहुत अच्छा था। फर्स्ट राउंड पोजीशन पे खेलने आएगी, टीम के लिए विकेट कीपिंग भी करेगी और बांग्लादेश के क्योंकि विकेट ज्यादा गिरेंगे और जनरली आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि वुमेन मैचेस पे ना स्टंपिंग काफी अच्छे रहते हैं, ठीक है, रनआउट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, स्टंपिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, कैचआउट बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए यस्तिका भाटिया यहां से आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है दोस्तों, आप लोग अपने टीम पर पिक करके ही चलिएगा। आईपीएल पे भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। वही बात करूं दोस्तों आप लोगों से बांग्लादेश वुमेन टीम पे, तो यहां पर आप लोगों को शमीमा सुल्ताना दिखेगी। शमीमा सुल्ताना की अगर मैं बात करूं तो रीसेंट परफॉर्मेंस देखोगे तो कुछ खास तो है नहीं, 53 मैच में सिर्फ 14 का इनका एवरेज है, 51 इनका बेस्ट स्कोर है, अगेंस्ट इंडिया 5 मैच खेल चुकी है जिसमें सिर्फ 11 के एवरेज से खेली है और 33 इनका बेस्ट स्कोर है। मैं अपने टीम पे होपफुली शमीमा सुल्ताना को ड्रॉप करके चलूंगा। ओके, जो यहां पर सेकेंड डाउन पोजीशन पे प्लेयर आती है वो है आप लोगों के लिए निगर सुल्ताना। इनका परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो इनका परफॉर्मेंस सही है दोस्तों, 76 मैच ये खेल चुकी है, 26 का इनका एवरेज है, बेस्ट स्कोर 113 का है, 50 पांच बार और सेंचुरी भी एक बार बना चुकी है, अगेंस्ट इंडिया 6 मैच में 25 का इनका एवरेज है, बेस्ट स्कोर 36 का है। तो यहां से आप लोग अगर सी बांग्लादेश के अगर आप लोगों को चार प्लेयर लेने ही हो ना बांग्लादेश वुमेन के टीम से, तो चार प्लेयर कौन से हो सकते हैं वो आप लोगों को बता दे रहा हूं। उनमें से एक प्लेयर आप लोगों के लिए निगर सुल्ताना हो सकती है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेगा। तो विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से निगर सुल्ताना हो गई और यस्तिका भाटिया हो गई, ये दो प्लेयर आप लोग चूज करके चलिएगा। अब आ जाओ दोस्तों अपने बैटिंग वाले सेक्शन के एनालिसिस पे। बैटिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं ना तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा ये दोनों ओपनिंग करने आती है, आपने इन दोनों को पिक करना है। क्लियर? इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि बांग्लादेश वुमेन टीम का जो बॉलिंग अटैक है ना वो भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो दोनों ओपनर यहां पर आप लोगों को अच्छा करते हुए दिखेंगे। क्लियर? इसीलिए स्मृति मंदाना को भी आप लोगों ने पिक करना है, शेफाली वर्मा को भी आप लोगों ने पिक करके चलना है। इंडियन टीम यहां पर अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने आती है तो शेफाली वर्मा एक मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैप्टन की भी कंटेंडर बन सकती है। ध्यान रखिएगा, मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फास्ट बैटिंग करती है और बांग्लादेश की अगर बॉलिंग लाइनअप कमजोर है तो यहां पर एक बड़ा स्कोर बना सकती है। क्लियर? ताबड़तोड़ बैटिंग करती है, अगर आप लोगों ने आईपीएल देखा होगा तो वहां पर आप लोगों ने इनका परफॉर्मेंस देखा होगा। प्लस साथ ही साथ दोस्तों ये यहां पर आप लोगों को बॉलिंग भी करते हुए दिख सकती है, इस बात को नोट डाउन करके रखिएगा। मेगा ग्रैंड लीग पे लो सिलेक्शन परसेंटेज पे आप लोग कोई कैप्टन ढूंढ रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग रैंक वन के लिए खेलते हो तो एक अच्छी कंटेंडर है जिनका सिलेक्शन परसेंटेज एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन कम है। बाकी स्मॉल लीग के लिए आप लोगों ने किस प्लेयर को कैप्टन रखना है, किस प्लेयर को वाइस कैप्टन रखना है, वो सब मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्लियर? तो स्मृति मंदाना मस्ट पिक है, शेफाली वर्मा भी मस्ट पिक है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को दिखती है जमीमा रोड्रिगस और हरलीन दियोल। हरलीन दियोल खेलने काफी नीचे आती है, फोर डाउन पोजीशन पे खेलने आती है और मुझे नहीं लगता है कि इंडियन टीम्स के इतने विकेट्स गिरेंगे, इसीलिए हरलीन दियोल को तो मैं एलिमिनेट करके चलूंगा, टीम पर नहीं लूंगा। जमीमा रोड्रिगस दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए ऑप्शनल पिक रह सकती है, अगर टीम इंडिया चेस करने आए ना तो हो सकता है कि यहां पर टीम इंडिया को जमीमा रोड्रिगस की जरूरत ही ना पड़ेगी, बट फर्स्ट इनिंग्स में जमीमा रोड्रिगस इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकती है। साथ ही साथ दोस्तों जमीमा रोड्रिगस एक बहुत ही शानदार फील्डर है, आप सभी लोगों को पता होगा,
लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पोजीशन पे खड़ी रहती है, तो कैचेस के काफी अच्छे पॉइंट दे देती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए कंडीशनल है, मैंने आप लोगों को बता दिया है किस कंडीशन पे आप लोगों ने जेमिमा रोड्रिगस को पिक करना है और किस कंडीशन पे आप लोग रिस्क ले सकते हो इन्हें ड्रॉप करने का, अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग के प्लेयर हो। अगर आप लोग स्मॉल लीग के लिए खेलना चाहते हो तो स्मृति मंदाना, शिफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिगस, मेरे हिसाब से आप लोगों को इन तीनों प्लेयर को पिक करना चाहिए और हरलिन दियोल को आप लोग इजिली इस मैच पे ड्रॉप करके चल सकते हो। बाकी बात करो दोस्तों यहां पर बांग्लादेश वुमेन की टीम पे, तो यहां पर आप लोगों को मुर्शिदा खातून ओपनिंग करते हुए दिखेगी। ओके, 32 मैच में दोस्तों 20 का इनका एवरेज है, बेस्ट को 77 का है, 53 बार बना चुकी है। इंडिया के अगेंस्ट दो मैच खेले हैं जिसपे 25 का इनका एवरेज है, एक मैच में जो इनका बेस्ट को रहा है वो रहा है 30 रन का, क्लियर। ओके, बात करो दोस्तों यहां पर शोभना मोस्तरी का, तो इनका अगर रिकॉर्ड देखोगे तो 22 मैच में सिर्फ 11 का ही इनका एवरेज है, बेस्ट स्कोर 30 का है। शोभना मोस्तरी को आप लोग ड्रॉप करके चल सकते हो। रितु मोनी की अगर मैं बात करूं तो इनका भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, 53 मैच में सिर्फ 11 का ही इनका एवरेज है, रितु मोनी को भी आप लोग ड्रॉप करके चल सकते हो। तो बांग्लादेश वुमेन की टीम से सेकेंड प्लेयर अगर आप लोग चूज करना चाहते हो तो वो आप लोगों के लिए मुर्शिदा खातून हो सकती है, इस बात को आप सभी लोग नोट करके चलिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इन प्लेयर्स को आप लोगों ने चूज करना है। ओल्ड फॉर्मेट के हिसाब से अगर आप लोग टीम बनाते हो, न्यू फॉर्मेट के हिसाब से आप लोगों ने टीम बनाना है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे क्योंकि सारे प्लेयर्स आप लोगों को पता चल जाएंगे किस कंडीशंस पे आप लोगों ने पिक करना है और किस कंडीशन पे आप लोगों ने ड्रॉप करना है। अब आ जाओ दोस्तों अपने ऑलराउंडर वाले सेक्शन के एनालिसिस पे। ऑलराउंडर वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं ना तो देखो हरमनप्रीत कौर भी यहां पर हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर पे दिखेगी, बट चेस करते वक्त हरमनप्रीत कौर भी उतनी इंपॉर्टेंट ना रहे, इस बात को नोट डाउन कीजिएगा, क्लियर। सिलेक्शन परसेंटेज आप लोगों को 90 प्लस का दिखेगा हरमनप्रीत कौर का, क्यों? क्योंकि आईपीएल पे जबरदस्त परफॉर्मेंस था। अच्छा, हरमनप्रीत कौर अभी के टाइम पे बॉलिंग नहीं कर रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर बांग्लादेश की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने आती है और 80 रन या 100 रन ही बना पाती है ना, तो हो सकता है कि इंडियन टॉप ऑर्डर्स ही उन्हें चेस कर दे, क्योंकि अभी के टाइम पे शेफाली वर्मा हो गई, स्मृति मंदाना हो गई, यस्तिका भाटिया हो गई, जेमिमा रोड्रिगस हो गई, अगर ये चारों प्लेयर है ना आप लोगों के पास, तो मेरे हिसाब से तो हरमनप्रीत कौर की जरूरत नहीं है, क्लियर। बोल्ड डिसीजन हो सकता है बट एक बहुत ही फ्रूटफुल डिसीजन हो सकता है, स्पेशली मेगा ग्रैंड लीग के लिए, बट स्मॉल लीग की टीम पर आप लोग लेकर ही चलिएगा, रिस्क मत लीजिएगा क्योंकि अपोनेंट लेकर आता है, अगर बाई चांस टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है तो फॉर्म बहुत अच्छा है, रन अच्छे बनाएगी, और फर्स्ट इनिंग्स में भी आप लोग ट्राई कर सकते हो क्योंकि हो सकता है कि खुद को प्रमोट भी कर दे, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी दीप्ति शर्मा की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दीप्ति शर्मा अच्छे खासे विकेट्स निकाल सकती है, इस मैच पे ध्यान रखिएगा, और बैटिंग की अपॉर्चुनिटी मिली तो बैटिंग पे भी आप लोगों को अच्छा खासा रन बनाते हुए दिख सकती है, एक मस्ट पिक प्लेयर है दोस्तों दीप्ति शर्मा, आप लोगों ने टीम पर पिक करके ही चलना है। सीवीसी की स्मॉल लीग पे तो एक बहुत ही अच्छी कंटेंडर रहेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन परसेंटेज एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन भी काफी हाई रहने वाला है। देविका विद्या की अगर मैं बात करूं तो आईपीएल कुछ खास नहीं रहा इनके लिए और सिक्स डाउन पोजीशन पे खेलने आती है, बॉलिंग उतना करेगी नहीं करेगी पता नहीं है, आप लोग ड्रॉप करके चल सकते हो। पूजा वत्सराकर को आप लोग ट्राई कर सकते हो, क्लियर, अगर बॉलिंग करेगी तो, बट ध्यान रखिएगा आईपीएल में इन्होंने बॉलिंग नहीं किया है, एक बार बॉलिंग ऑर्डर को इंडियन टीम के देखना भी मस्ट जरूरी है, इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग पक्का से ज्वाइन करके रखिएगा क्योंकि पूजा वत्सरा का बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आईपीएल पे इन्होंने बॉलिंग नहीं किया था, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर। अच्छा, बांग्लादेश की टीम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को सलमा खातून दिखती है, ठीक है, 94 मैच में 15 का इनका एवरेज है, 84 विकेट है, अगेंस्ट इंडिया परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, 13 मैच में 26 का एवरेज है, 12 विकेट है, मस्ट पिक प्लेयर है दोस्तों, आप लोग टीम पर पिक करके ही चलिएगा सलमा खातून को। और बात करूं यहां पर शोरना अख्तर की ना, तो आप लोग इन्हें ड्रॉप करके चलिएगा, कुछ खास नहीं है, 4 मैच में 14 का एवरेज और 2 ही विकेट है, आप लोग शोरना अख्तर को ड्रॉप कर सकते हो। तो सलमा खातून यहां से एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर रहती है बांग्लादेश वुमेन के टीम से, क्लियर है। अब आ जाओ बॉलिंग वाले सेक्शन के एनालिसिस पे।
बॉलिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को मेघना सिंह और अंजलि सरवनी दिखेगी, और मेरे हिसाब से तो आप लोगों को इन दोनों को पिक कर लेना चाहिए, मेघना सिंह और अंजलि सरवनी दोनों को पिक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन वही है कि बांग्लादेश टीम के विकेट्स ज्यादा गिरेंगे। विकेट्स कौन निकालेंगे? यही इंडियन टीम के बॉलर्स ही निकालेंगे, क्योंकि मेघना सिंह अपने पूरे 4 ओवर करेगी, अंजलि सरवनी भी अपने पूरे 4 ओवर करने वाली है। तो मेघना सिंह और अंजलि सरवनी मस्ट पिक बॉलर रहेंगे, दोनों को आप लोग पिक करके चलिएगा। बाकी बात करूं दोस्तों यहां पर बांग्लादेश वुमेन की टीम पे, तो यहां पर आप लोगों को नाहिदा अख्तर दिखेगी, ये अच्छी बॉलर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बट अगेंस्ट इंडिया परफॉर्मेंस नहीं है, 6 मैच में सिर्फ एक ही विकेट है, वरना अगर आप लोग देखोगे तो 64 मैच में 74 विकेट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। फातिमा खातून की अगर मैं बात करूं तो इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, आप लोग ड्रॉप करके चल सकते हो। मारूफा अख्तर की अगर मैं बात करूं तो इनका भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहता है, आप लोग ड्रॉप करके चल सकते हो। फरीहा इस्लाम की अगर मैं बात करूं तो इनका भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहता है, इन्हें भी आप लोग ड्रॉप करके चल सकते हो। देखो एक बात क्या है, जो कोर बॉलर है ना, नाहिदा अख्तर को ही देखो, 64 मैच में 74 विकेट ले रही है, बट इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि इंडियन टीम यहां पर विकेट नहीं देगी बांग्लादेश के बॉलर को इजीली, क्लियर, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए फोकस मैंने आप लोगों को बताया है, एक लॉजिक होता है जिस लॉजिक को मैं बोलता हूं कट द टीम लॉजिक। अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग खेल रहे हो ना, तो इस मैच पे आप लोग कट द टीम लॉजिक को भी इस्तेमाल कर सकते हो। YouTube पे सर्च कीजिएगा, मेरी ही वीडियो है, कट द टीम लॉजिक अगर आप लोग लिखोगे तो यही वीडियो आप लोगों के सामने आएगी। एक बार वीडियो को ध्यान से देख कर समझ लीजिएगा अगर आप लोग इस मैच में मेगा ग्रैंड लीग की टीम बनाने वाले हो। बाकी दोस्तों अभी के टाइम पे जो टीम है वो कुछ इस तरह से है, यहाँ देखो, यहाँ पर मेरे पास जैसे जैसे मैंने बताया विकेट कीपिंग वाले सेक्शन के बारे में और बैटिंग वाले सेक्शन पे, स्मृति मंदाना को सीवीसी का रिस्क लिया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शिफाली वर्मा को, सॉरी, मेगा ग्रैंड लीग के लिए, ठीक है, थोड़े से रिस्की पिक बन सकती है, बट ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आप लोगों को 60 से 70 रन और यहाँ पर प्लस 2 विकेट भी निकालती हुई दिख जाए, क्लियर, शिफाली वर्मा को ध्यान रखिएगा। बाकी हरमनप्रीत कौर को मैंने लिया है, बाकी मैंने बताया मेगा ग्रैंड लीग पे कैसे रिस्क ले सकते हैं, किस कंडीशन पे हरमनप्रीत कौर को भी ड्रॉप किया जा सकता है। मेघना सिंह, अंजलि सरवनी है, यहाँ पर अख्तर है, दीप्ति शर्मा है और यहाँ पर खातून है, मैंने सारे कंडीशनली आप लोगों को बता दिया है किस कंडीशन पे आप लोगों ने किस प्लेयर को चूज करना है। स्मॉल लीग के लिए दोस्तों दीप्ति शर्मा कैप्टन की एक अच्छी कंटेंडर रहेगी, और वाइस कैप्टन की अच्छी कंटेंडर यहां पर आप लोगों को स्मृति मंदाना रहेगी, ये सीवीसी के अच्छे कंटेंडर रहेंगे आप लोगों के लिए स्मॉल लीग के लिए। बाकी मेगा ग्रैंड लीग के लिए जिस तरह से वीडियो पे आप लोगों को बताया है ना, उन सारे बातों को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। बाकी जो लॉजिक मैंने आप लोगों को बताया है कट द टीम लॉजिक, उस लॉजिक को पक्का से आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, बिकॉज वो लॉजिक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस खेल में आदत लगना और आर्थिक जोखिम संभव होता है, तो सभी लोग जिम्मेदारी से खेले। धन्यवाद दोस्तों।